समवेदना मेडिकल फाउंडेशनच्या वतीनं रक्तविकाराच्या विविध आजारासंदर्भात तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शन शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. समवेदना मेडिकल फाउंडेशनतर्फे रक्तविकाराच्या विविध आजारासंदर्भात मार्गदर्शन शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. विशेषतः लहान मुलांमध्ये आढळणाऱ्या थॅलेसेमिया, हिमोफिलिया, ॲनिमिया यासारख्या अनेक संवेदनशील आजारासंदर्भात डॉक्टर सी पी रघुराम यांनी अतिशय चिकित्सपणे मार्गदर्शन केलं. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे हैं जिसका थैलेसीमिया मेजर है वो रेगुलरली मेंटेन फंक्शन लें. इससे उसका बढ़ना, ग्रोथ, डेवलपमेंट सब अच्छा रहता है और वो नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हैं जब उसका रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है. लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं पूरा ब्लड नहीं, ये सिर्फ RBC का कॉम्पोनेंट देते हैं जो PRBC बोलते हैं और वो ब्लड टेस्ट सेफ होना चाहिए क्योंकि खून से कुछ बीमारियां फैल सकता है. एक तो हर खून जो टेस्ट देने से पहले टेस्ट करना पड़ता है HIV, HPSAG और हेपेटाइटिस सी का और मलेरिया और सिफिलिस जैसा बीमारियों का टेस्ट करना चाहिए. डॉक्टर निर्मल कुमार फडकुले सभागृहात या शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी डॉक्टर संजीव ठाकूर, प्रदीप ढेले, देव मिश्रा, बरकत पन्हाळकर, सचिन गुळक, सचिन गोरे, रमेश अवताडे लांडणे आदींची उपस्थिती होती. या शिबिरास सोलापूरचं सिव्हिल हॉस्पिटल तसेच चेन्नईच्या ॲस्ट्रा CMI हॉस्पिटलनं सहकार्य केलं.